Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about the third chapter of our general pathology, that is healing and repair. देखिए first chapter हमने cell tissue changes पढ़ा और second chapter हमने inflammation पढ़ा. First chapter में जब cell tissue में changes आते हैं तो obvious है हमारी body भाई ये changes कब आ रहा है, जब कोई stimulation मिल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलेशन, हार्मफुल स्टिमुलेशन मिला तो उससे क्या हुआ, बॉडी के अंदर सेल और टिश्यू में चेंजेस आ गए. किसी पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में चेंजेस जो आ जाते हैं वो सेल टिश्यू चेंजेस कहलाते हैं. और ऐसा हार्मफुल जब स्टिमुलेशन आता है उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दिखाती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लामेशन, जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा. अब ये जो चेंजेस आए थे फर्स्ट चैप्टर में सेल टिश्यू चेंजेस, वो एडेप्टेशन और इंजरी के रूप में हमने पढ़े थे. इंजरी जब होती है तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लामेशन, और जब इंजरी हो गई, इन्फ्लामेशन हुआ, तब ऑब्वियस सी बात है उसमें हीलिंग रिपेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हमारे आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, वो है हीलिंग रिपेयर. अब देखिए हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनमें रिन्यूअल की कैपेसिटी पाई जाती है. उस रिन्यूअल कैपेसिटी के बेसिस पर सेल्स जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स. लेबाइल सेल्स वो सेल्स होती है जो कि लगातार रीजेनरेट होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, जैसे सरफेस एपिथेल सेल्स या जीआईटी और स्किन की सरफेस एपिथीलियम वगैरह. इनमें क्या है, रीजेनरेशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रैपिड इनका टर्न ओवर होता है, शॉर्ट इनकी लाइफ स्पान होती है. स्टेबल सेल्स रीजनरेट होती हैं पर नॉर्मली थोड़ा स्लो रीजनरेट होती हैं. ये डिवाइड केवल तब करती है जब इनको आवश्यकता होती है. देखिए लेबाइल सेल्स जो होती है वो तो प्रीनेटल और पोस्टनेटल लाइफ में बहुत अच्छे से डिवाइड करती है, पूरे जीवन पर्यंत डिवाइड करती रहती है. जबकि स्टेबल सेल्स प्रीनेटल लाइफ में तो बहुत अच्छे से डिवाइड करती है पर पोस्टनेटल लाइफ में वो केवल एडोलिसेंट स्टेज तक डिवाइड करती है. एडोलिसेंट स्टेज के बाद में वो केवल तब डिवाइड करती है जब उसको कोई स्टिमुलेशन मिलता है या जब आवश्यकता होती है, जैसे हमारी हिपेटोसाइट्स, लीवर की सेल्स. स्किन सेल्स, स्किन हमेशा बनती रहती है, बाल हमेशा बनते रहते हैं, नए नए बनते रहेंगे, झड़ते रहेंगे, पुराने नए नए बनते रहेंगे, ऐसे स्किन नई बनती रहती है, झड़ती रहती है. तो लेबल सेल्स तो हमेशा बनती रहेगी, जबकि स्टेबल सेल्स जो है वो एडल्ट स्टेज में केवल तब बनेगी जब वहाँ पर आवश्यकता है, नहीं तो नहीं बनेगी. और परमानेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें इफेक्टिव रीजनरेशन नहीं पाया जाता, ये केवल प्रीनेटल लाइफ में जन्म से पहले ही डिवाइड करती है. जन्म के बाद इसमें कोई डिवीजन, कोई रीजनरेशन नहीं पाया जाता, जैसे हमारे CNS की न्यूरल सेल्स या कार्डियक मसल्स या रेटिना की सेल्स जो होती है वो परमानेंट सेल्स होती हैं. अब रीजनरेशन क्या है, सेल्स का ग्रोथ, सेल्स ग्रो कर रही है किसके लिए, ताकि जो स्ट्रक्चर, कोई अगर स्ट्रक्चर उसकी लॉस्ट हो गई तो वापस रिप्लेस हो सके. तो ग्रोथ ऑफ सेल्स टू रिप्लेस द लॉस्ट स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के सेल्स की ग्रोथ होती है, उसको हम रीजेनरेशन कहते हैं. जैसे स्किन में, हीमोपोएटिक सिस्टम में, GIT के अंदर रीजेनरेशन पाया जाता है. अब हीलिंग क्या होता है भाई, ये टिश्यू रिस्पॉन्स है. किसके लिए रिस्पॉन्स है टिश्यू का, कोई वूंड हो गया हो, घाव हो गया हो, कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा हो या सेल नेक्रोसिस चल रहा हो, तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी जो टिश्यू रिस्पॉन्स दिखाते हैं वो हीलिंग होता है. अब ये दो प्रोसेस है, इस हीलिंग के दो प्रोसेस होते हैं, रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन. रीजनरेशन तो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ही. स्कार फॉर्मेशन क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का लेइंग डाउन, वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू आ जाता है उस जगह पर जहाँ चोट वोट लगी है ना, या जहाँ पर हीलिंग हो रही है वहाँ पर क्या आ जाएंगे, फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे. तो लेइंग डाउन ऑफ फाइब्रस टिश्यू. तो देखिए टिश्यू इंजरी दो तरह की होती है, टोटल इंजरी या पार्शियल इंजरी. टोटल इंजरी अगर हुई है तो वहाँ स्कार फॉर्मेशन होगा, और अगर पार्शियल इंजरी हुई है तो उसमें लेबल सेल्स, स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स में अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं. लेबल सेल्स में रीजनरेशन होता है, स्टेबल सेल्स में रीजनरेशन भी हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन भी हो सकता है, और परमानेंट सेल्स में अगर इंजरी हुई है तो वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन ही होगा. स्कार फॉर्मेशन कब होता है, जब परमानेंट सेल्स डैमेज हो जाती हैं या कनेक्टिव टिश्यू के फ्रेमवर्क में सीवियर डिस्ट्रक्शन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सेल इंजरी होती है, या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के केस में स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है. स्कार फॉर्मेशन जो निशान रह जाते हैं उसमें, वो सेल्स वैसी नहीं रह जाएंगे, वहाँ निशान रह जाएंगे कि यहाँ की सेल जो है वो मर गई थी, वो स्कार फॉर्मेशन होता है. अब स्कार टिश्यू फॉर्मेशन
के द्वारा जो रिपेयर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं भाई? पहला इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, दूसरा प्रोलिफेरेटिव और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। या आप ये देखिए, हीलिंग रिपेयरिंग का जो मैकेनिज्म है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, सिर्फ इसको पढ़िए मत, पहले सुनिए कि हीलिंग रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है उसकी जो मैकेनिज्म है उसमें हम तीन स्टेप्स पढ़ते हैं, इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलीफरेटिव फेज और रीमॉडलिंग फेज। तीन फेजेस चलती है, इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलीफरेटिव फेज और रीमॉडलिंग फेज। इन्फ्लामेटरी फेज शुरू होती है इमीडिएट आफ्टर द टिश्यू इंजरी और कब तक चलती है? 2 से 3 दिन तक चलती है। प्रोलीफरेटिव फेज 2 से 3 दिन शुरू होती है और 2 से 3 हफ्ते तक चलती है। और रीमॉडलिंग फेज 2 से 3 हफ्ते शुरू हो करके वो 1 से 2 महीने, कुछ महीने, कुछ साल भी उसको लग जाते हैं। इन्फ्लामेटरी फेज में पॉलीमॉर्फ्स और मैक्रोफाज का रोल होता है और इसमें डैमेज और डेड टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है। प्रोलीफरेटिव फेज में पैरेन्काइमल और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का माइग्रेशन होता है और न्यू ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू यहाँ पर बनता है। इसी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स और कोलाजन प्रोटीन्स का निर्माण होता है, कोलाजन वहाँ पे डिपॉजिट होता है, टिश्यू की रीमॉडलिंग होती है, वूंड का कॉन्ट्रैक्शन और वूंड की स्ट्रेंथनिंग होती है। वूंड कॉन्ट्रैक्ट होएगा, वूंड की स्ट्रेंथनिंग होएगी। अब यहाँ तक ये जो पॉइंट्स बोले हैं, अब इसको मैं एक और तरीके से समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, जो बात मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। तो देखिए, हम लोग हीलिंग रिपेयरिंग पढ़ रहे हैं। हीलिंग रिपेयरिंग के अंदर देखिए, मैंने आपको कहा कि तीन फेजेस चल रही हैं, तीन फेजेस के अंदर हमारे को पढ़ना था। तो पहली फेज ही इन्फ्लामेटरी फेज, जो इमीडिएट से 2 से 5 दिन तक चलती है, इसके अंदर होम्योस्टास और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। जबकि प्रोलीफरेटिव फेज जो कि 2 दिन से 3 हफ्ते तक चलती है, उसमें ग्रैनुलेशन कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्शन और एपिथिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। अब और रीमॉडलिंग में 3 हफ्ते से 2 साल तक चलेगा, इसमें नया कोलेजन बनेगा। अब पहले इन्फ्लामेटरी फेज में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इमीडिएट टू 2 to 5 डेज शुरू हो जाएगी इमीडिएटली और 2 से 5 दिन तक चलेगी। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस में क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन और थ्रोम्बोप्लास्टिन मेक्स क्लॉट। 3 प्रोसेस चलते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन में उस जगह पर प्लेटलेट जो है वो प्राइमरी प्लग बना लेती है ताकि ब्लड लीकेज ना हो, और थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन मेक्स क्लॉट, मतलब अब सेकेंडरी क्लॉट वहाँ पर बन जाएगा। घाव भरना है ना, तो घाव भरने के लिए होम्योस्टासिस में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ताकि ब्लड फ्लो वहाँ कम हो जाए, कम क्यों हो जाए, ताकि ब्लड का लीकेज ना हो। फिर प्लेटलेट का प्राइमरी प्लग बनता है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्लॉट बनता है। थर्ड फेज है इन्फ्लामेशन, जिसमें वैसोडाइलेशन और फैगोसाइटोसिस होता है कि अब जब वो क्लॉट वगैरह बन गया तो अब आराम से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, वहाँ पर बहुत सारे WBCs पहुँचेंगी और वहाँ पर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। फिर सेकंड फेज हमने बोली प्रोलीफरेटिव फेज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है 2 days to 3 weeks, 2 दिन से 3 हफ्ते तक चलता है ये। फिर लिखना है ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन में क्या होता है? पहला पॉइंट फाइब्रोब्लास्ट ले बेड ऑफ कोलाजन, वहाँ फाइब्रोब्लास्ट आएंगे और कोलाजन का बिस्तर बिछा देंगे उस घाव के अंदर, और फिर धीरे धीरे फिल्स डिफेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखना आपको फिल्स डिफेक्ट एंड प्रोड्यूसेस न्यू कैपिलरीज, वहाँ डिफेक्ट भर जाता है और नई नई कैपिलरीज बन जाती है, जिसको एंजियोजेनेसिस अपन कहते हैं, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड आपको पॉइंट लिखना है कॉन्ट्रैक्शन, ग्रैनुलेशन के बाद में कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखना है आपको? वूंड एजेस पुल टुगेदर टू रिड्यूस डिफेक्ट, घाव के जो किनारे हैं वो पास में आएंगे ताकि वो जो घाव है वो भर जाए। फोर्थ पॉइंट है एपिथिलाइजेशन। एपिथिलाइजेशन में एपिथिलियल सेल्स की कवरिंग आ जाती है। इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है क्रॉसेस मॉइस्ट सरफेस, एपिथेलियल सेल जो है वो मॉइस्ट सरफेस को क्रॉस करती है। दूसरा पॉइंट लिखना है सेल ट्रैवल अबाउट 3 centimeters फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजन इन ऑल डायरेक्शन, सेल जो है अपने पॉइंट ऑफ ऑरिजन से सभी डायरेक्शंस में 3-3 centimeters आगे बढ़ना शुरू करती है, ये एपिथिलाइजेशन कहलाता है। अब थर्ड फेज है रीमॉडलिंग फेज, जो कहती चलेगी 3 weeks to 2 years तक चलती है। सेकेंड पॉइंट, इसमें न्यू कोलाजन फॉर्म्स विच इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वूंड्स, यहाँ पे नया कोलेजन बनेगा जिससे कि घाव की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
थर्ड पॉइंट, स्कार टिश्यू इज ओनली 80% एज स्ट्रॉन्ग एज ओरिजिनल टिश्यू। यहाँ पे स्कार टिश्यू बनेगा जो कि ओरिजिनल टिश्यू का 80% तक स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है कि वहाँ पर नॉर्मल टिश्यू जैसा दिखता लगने लग जाता है। तो ये आपके फेजेस हैं वूंड हीलिंग के मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट। अगर वूंड हीलिंग का क्वेश्चन आता है तो इतना भी आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, एंजियोजेनेसिस क्या होता है? ब्लड वेसल्स का बनना, एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल से नई ब्लड वेसल्स का बनना एंजियोजेनेसिस कहलाता है। ये कहाँ से बनती हैं भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन में एंडोथेलियल प्रिकर्सर सेल से बनती हैं या जो प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स है उससे बनती हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है? यह हाईली वैस्क्यूलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें नई कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज होती हैं, नई बनी हुई कैपिलरीज होती हैं। प्रोलीफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट होता है क्योंकि वो कोलाजन का बेड बनेगा, वहाँ फाइब्रोब्लास्ट नया बना हुआ होता है। इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं जो कि एडिमेटस स्ट्रोमा में पाई जाती हैं। मैक्रो रूप में देखें तो पिंक ग्रेन्युलर और सॉफ्ट और फ्लैशी दिखाई देता है ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ग्रैनुलेशन टिश्यू पिंक दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको खूब सारी एंजियोजेनेसिस वगैरह सब कुछ दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। अब ग्रोथ फैक्टर जो एंजियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं न्यू वेसल्स के बनने के लिए, वीईजीएफ ग्रोथ फैक्टर और एफजीएफ। न्यू वेसल्स की स्टेबिलिटी में एंजियोपोएटिन 1, 2, पीडीजीएफ, टीजीएफ, बीटा, इनका सबका रोल होता है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई जरूरत नहीं अपने लिए। ECM प्रोटीन और प्रोडक्शन कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, खुद से पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई खास ये जरूरी नहीं है अपने लिए। टिश्यू रिमॉडलिंग के अंदर क्या होता है? हमने कहा भाई इसमें कोलाजन बन रहा था, सेकंड स्टेप में ही बन गया था ये तो प्रोलीफरेटिव फेज में, पर ये जो कोलाजन है ये नया नया बनता रहता है, रिमॉडल होता रहता है, पुराना डिग्रेड होता रहता है, नया नया प्रोटीन वहाँ पर आता रहता है, ECM आता रहता है फैमिली मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस के द्वारा, और फिर नया नया वहाँ पर टिश्यू जो है वो बनता रहता है, ये रीमॉडलिंग कहलाती है। फिर वूंड का कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने कहा कि स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं वो पास पास में आ जाती हैं, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ में जो स्पेशलाइज सेल्स है मायोफाइब्रोब्लास्ट जिसको अपन कहते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि वूंड डिफेक्ट का जो साइज है वो कम हो जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट इसमें स्टेनोसिस कॉन्ट्रैक्चर देखने मिलता है, कॉन्ट्रैक्चर मतलब नैरोइंग हो जाती है। अब वूंड स्ट्रेंथ बढ़ती है कोलाजन डिपोजिशन बढ़ने के साथ में, कोलाजन फाइबर के क्रॉस लिंकिंग की वजह से और कोलाजन फाइबर में चेंज आने की वजह से। अब जो मैंने आपको तीनों फेजेस बोली थी ये देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट से बताई गई है, फ्लो चार्ट आपको बनाना है हीलिंग रिपेयरिंग के अगर क्वेश्चन आ जाए आपके तो देखिए इंजरी होते ही वहाँ पर प्लेटलेट रिलीज होएंगी, ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, साइटोकाइंस रिलीज होएंगे, यहाँ मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो वूंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, ये सब कुछ इन्फ्लामेटरी फेज में चलता है। न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफाज जब वहाँ पर आएंगी तो वहाँ पर कोई अगर बैक्टीरिया या माइक्रोब मौजूद है उसको खा जाएंगी, वहाँ ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करेंगी, साइटोकाइंस और प्रोटीज को रिलीज करती हैं ताकि वहाँ पे हीलिंग रिपेयरिंग शुरू हो सके। ये इन्फ्लामेटरी फेज है, इन्फ्लामेटरी फेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हीलिंग रिपेयरिंग के लिए, फर्स्ट फेज होती है। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो शायद वूंड कभी हील हो ही नहीं पाएगा, घाव कभी भर नहीं पाएगा और आपको ज़िंदगी भर उस घाव को अपने शरीर पे झेलना पड़ेगा, इसलिए इन्फ्लामेटरी फेज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब प्रोलीफरेटिव फेज़ यहाँ शुरू होते हैं जहाँ फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स उस वूंड की तरफ आएंगी, एपिथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेंगी जिससे कि ECM बनेगा और नई कैपिलरीज बनती हैं, ये प्रोलीफरेटिव फेज है। अब रीमॉडलिंग फेज शुरू होगी जिसमें फाइब्रोब्लास्ट जो है वो रीमॉडल्ड होता है, स्कार को रीमॉडल्ड करता है, ECM वगैरह वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और फिर स्कार धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है, ये रीमॉडलिंग फेज है। अब क्यूटेनियस वूंड हीलिंग दिखाई गई है, इसमें इन्फ्लामेशन, ग्रैनुलेशन और वूंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन अर्ली और लेट हो सकता है, ग्रैनुलेशन में टिश्यू फॉर्मेशन और री एपिथेलाइजेशन, एपिथेल सेल्स दोबारा बनती हैं वहाँ पे, और वूंड कॉन्ट्रैक्शन में ECM का डिपोजिशन और रीमॉडलिंग होगी। अब ये जो वूंड हीलिंग है ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन से और टर्शरी इंटेंशन से देखने को मिलती है, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन, टर्शरी इंटेंशन। आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग जो होती है उसको अपन प्राइमरी यूनियन भी कहते हैं, इसमें वूंड्स के अपोज्ड एजेस जो होते हैं वो पास में आकर के हीलिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। सेकेंड इंटेंशन द्वारा जो हीलिंग होती है उसको अपन सेकेंडरी यूनियन कहते हैं, इसमें वूंड्स जो होते हैं वो एजेस के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं।
प्राइमरी में तो अपोज एज के साथ वुंड होते हैं, इसमें वुंड सेपरेटेड एज के साथ दूर दूर एज होता है, बड़ा बड़ा घाव बन रहा होता है वो सेकेंडरी यूनियन। ये प्राइमरी यूनियन दिखाया गया सर्जिकल इंसाइज्ड में, बताया गया क्लीन और अनइन्फेक्टेड सर्जिकल इंसाइज्ड किया गया, इंसीजन किया गया है। लिमिटेड डेथ होती है इसमें एपिथेलियल सेल्स या कनेक्टिव टिश्यूज की। एजेस जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटेड सर्जिकल सूचर के द्वारा उनको पास ला करके सिल दिया जाता है। सेकेंड इंटेंशन देखो, इतना बड़ा घाव, इसमें किनारे कितने दूर दूर हैं, सेपरेटेड हैं। एक्सटेंसिव सेल डेथ इसमें देखने को मिलती है घाव में, लार्ज डिफेक्ट देखने को मिलता है इन्फेक्शन का। वुंड जो होता है वो सूचर के द्वारा सिला जाना आसान नहीं होता। प्राइमरी इंटेंशन की हीलिंग जो है सर्जिकल वुंड में गैप जो है वो फिल्ड कर दिया जाता है क्लॉटेड ब्लड के द्वारा, जिसमें फाइब्रिन और ब्लड सेल्स होती है और स्कैब फॉर्म्स वहाँ पर होता है। हीलिंग प्रोसेस 24 घंटे लग जाते हैं, वहाँ न्यूट्रोफिल आएंगी, 24 से 48 घंटे में एपिथेल सेल्स भी वहाँ पर मूव होकर के मिडलाइन में फ्यूज हो जाती हैं और थर्ड डे में मैक्रोफाज वहाँ मूव होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है, कोलाजन का वहाँ बिस्तर आ जाता है और एपिथेल सेल वहाँ पर, सेल की लेयर वहाँ बन जाती है। फिफ्थ डे में ग्रैनुलेशन टिश्यू गैप को भर देगा, नई ब्लड वेसल्स वहाँ बन जाएंगी, कोलाजन फिब्रिल्स जो है वो बढ़ जाएंगे और एपिथेलियल सेल वहाँ पे थिक हो जाती है। ये जितने पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, जहाँ पर मैंने आपको इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और रीमॉडलिंग फेज बताई, तो वहाँ मैंने यही पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को यहाँ थोड़ा सा डिटेल करके बताया गया है। सेकेंड वीक में कोलाजन इकट्ठा होता है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफेरेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, वैस्कुलर चैनल्स रिग्रेस्ड हो जाते हैं, वैस्कुलर चैनल्स इन्फ्लामेशन एडिमा जो है रिग्रेस होना मतलब वापस ठीक हो जाएंगी सब चीज़ें। फोर्थ वीक में स्कार बन जाता है, एपिडर्मिस की कवरिंग आ जाती है, डर्मल अपेंडेजेस वहाँ पर ख़त्म हो चुके होते हैं और वुंड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है कई महीनों के बाद में, घाव की सहन करने की क्षमता वहाँ पर बढ़ जाती है। तो फर्स्ट टेंशन से देखो स्कैप फॉर्मेशन दिखाया गया, न्यूट्रोफिल वहाँ आ गई, क्लॉट आ गया, क्लॉट बन जाता है, ये तो 24 घंटे में, 3 से 7 दिन में माइटोसिस हो रहा है, स्कैब फॉर्मेशन देखो, स्कैब धीरे धीरे गायब हो रहा है, ग्रैनुलेशन टिश्यू आ गए, मैक्रोफाज आ गए, फाइब्रोब्लास्ट आ गए, नई नई कैपिलरीज बनना शुरू हो गई और फिर कई हफ्तों के बाद में फाइब्रस यूनियन बन जाता है, स्कैब पूरा गायब हो गया, नॉर्मल टिश्यू बन गया। ये फर्स्ट इंटेंशन, सेकेंड इंटेंशन को डायग्रामेटिकली समझाया गया, देखिए बड़ा अच्छा डायग्राम है, खुद से देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो स्कैब फॉर्मेशन फर्स्ट में देखो कितना नैरो है, जबकि सेकंड में देखो स्कैब फॉर्मेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। सेकंड में 3 से 7 दिन में देखो कितनी सारी कैपिलरीज बनती हुई, खूब सारी मैक्रोफाज, खूब सारे ग्रैनुलेशन टिश्यू वहाँ पर दिखाया जा रहा है, फाइब्रोब्लास्ट दिखाए जा रहे हैं और फिर ये वुंड का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया है, जो एरो में भी दिखा रहे हैं अपन, ये येलो कलर के जो एरो बन रहे हैं ना, वुंड कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। अब प्राइमरी यूनियन से डिफरेंस देखो, सेकेंडरी में इसमें लार्ज फाइब्रिन का क्लॉट बनता है, ज़्यादा नेक्रोटिक डेब्रिस और एक्ज्यूडेट वहाँ पर आते हैं, ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा आता है, वुंड का कॉन्ट्रैक्शन माइक्रोफाइब्रोब्लास्ट के द्वारा होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है, एपिडर्मिस की थिनिंग पाई जाती है। ये प्राइमरी वुंड हीलिंग दिखाई गई है भाई। वुंड स्ट्रेंथ 7 दिन के अंदर ओरिजिनल टिश्यू के 10% तक वुंड स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है और 2 से 3 महीने में एकदम 70 से 80% तक ओरिजिनल टिश्यू जैसी वुंड स्ट्रेंथ बन जाती है। अब कोई फैक्टर्स जो वुंड हीलिंग को कम कर देते हैं तो वो फैक्टर्स लोकल फैक्टर भी होते हैं, सिस्टमिक फैक्टर्स भी होते हैं। लोकल फैक्टर अगर उस जगह पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है, जैसे वेरिकोज वेन अगर हो गया हो तो, डी नर्वेशन वहाँ नर्वस ब्रेकेज हुआ पड़ा है, नर्व्स वहाँ है नहीं, वहाँ लोकल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो हीलिंग डिले हो जाती है, फॉरेन बॉडी अगर वहाँ मौजूद है, कोई सुई चुभी पड़ी है, कोई कांटे फंसे पड़े हैं, पत्थर फंसे पड़े हैं तो हीलिंग नहीं होगी, इन्फेक्शन हुआ हुआ हीलिंग नहीं होगी, हिमाटोमा अगर वहाँ बना हुआ है, हेमरेज का फॉर्म होता है, हिमाटोमा ब्लड इकट्ठा हुआ हुआ होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस वहाँ पर अगर लग रहा है तो हीलिंग नहीं होगी, और नेक्रोटिक टिश्यू अगर वहाँ मौजूद है तो हीलिंग नहीं होगी। सिस्टमिक फैक्टर में अगर एनीमिया है पर्सन को तो हीलिंग डिले हो जाती है, खून की कमी है तो, अगर वो स्टीरॉइड्स लेता है पर्सन तब भी हीलिंग नहीं होती, स्टीरॉइड्स इन्फ्लामेशन नहीं होने देते, अपन ने पढ़े थे ना फार्माकोलॉजी में, नैसिड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स
क्योंकि स्टीरॉयड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, तो हमें अगर उस वक्त देनी है तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आपको देनी है। इन्फ्लामेशन और रोकने वाला ड्रग देते हो हीलिंग कैसे होगी? मैंने आपको कहा कि इन्फ्लामेटरी फर्स्ट फेज होती है और बहुत एसेंशियल फेज है। अगर इन्फ्लामेशन वहाँ पे नहीं हुआ तो हीलिंग रिपेयरिंग कभी होगा ही नहीं। तो ऐसी कोई ड्रग नहीं लेनी जो इन्फ्लामेशन को रोक दे। तो अगर आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हो, स्टीरॉयड्स ले रहे हो या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हो, तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। या जेनेटिक डिजीज़ किसी को हुआ हुआ है जिसमें कोलाजन का डिफेक्ट होता है, डायबिटीज़ के केस में और मैलिग्नेंसी के केस में हीलिंग रिपेयरिंग डिले हो जाती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर आप प्रोटीन, विटामिन, जिंक वगैरह नहीं लेते हैं डाइट में तो आपके अंदर हीलिंग रिपेयरिंग डिले हो जाएगी। सिस्टमिक इन्फेक्शन किसी को हुआ हुआ है, ट्रॉमा का केस है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, यूरीमिया, ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, और हीमाटोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज में न्यूट्रोफिल का फंक्शन अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो हीलिंग रिपेयरिंग नहीं हो पाती। अदर फैक्टर्स में उम्र के साथ भाई बुढ़ापे के अंदर हीलिंग रिपेयरिंग स्लो हो जाती है। साइज़, अगर वुंड बड़ा है तो हीलिंग रिपेयरिंग धीमे चलेगी। लोकेशन, किस जगह पर वुंड बना हुआ है और मैकेनिकल फैक्टर वहाँ पे मौजूद हैं क्या, तो ये सब हीलिंग रिपेयरिंग में रोल प्ले करते हैं। तो इसके साथ आपका थर्ड चैप्टर जो है पैथोलॉजी का यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।